नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रुति चांदना और आप देख रहे हैं स्टार 24 न्यूज़। चलिए बढ़ते हैं आज के खास समाचारों की तरफ। नीमच में दिन दहाड़े फायरिंग को लेकर एसपी ने किया खुलासा। नीमच का कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी को पुलिस मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची है। जिला अस्पताल के समीप स्थित ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों की टीम ने तस्कर बाबू सिंधी का मेडिकल किया। इसके बाद बाबू सिंधी को जिला अस्पताल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया। इस दौरान मौके पर नीमच पुलिस अधीक्षक अमित कुमार तोलानी पहुंचे। नीमच शहर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग को लेकर एसपी अमित तोलानी ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि नीमच के समाजसेवी अशोक अरोरा पर हुए हमले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कैंट थाने पर दर्ज अपराध क्रमांक 43/2024 मामले में मुख्य आरोपी जय कुमार सबनानी उर्फ बाबू सिंधी की सूचना मिली कि बाबू सिंधी जीरन थाना अंतर्गत चीताखेड़ा के रास्ते राजस्थान जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की तो पुलिस को देखकर बाबू सिंधी पहाड़ पर चढ़ने लग गया। जिसके बाद पहाड़ी से कूदने पर बाबू सिंधी के पैर में चोट भी लग गई, जिसके बाद पुलिस ने बाबू सिंधी को गिरफ्तार किया और मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लाए। एसपी अमित तोलानी ने आगे कहा कि 4 फरवरी को हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल से एक मोबाइल जब्त किया था। मोबाइल की कॉल डिटेल से पता चला जो शूटर्स थे वे लगातार बाबू सिंधी के संपर्क में थे। मोबाइल को शूटर्स तक सप्लाई करने वाला आरोपी का नाम अहमद है। अहमद को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और 5 दिन की रिमांड पर लिया है, जिसमें से एक शूटर की मौत हो चुकी है। बाकी 3 शूटर्स की पुलिस ने पहचान कर ली है। इनके नाम अकरम और आशिक है। शूटर्स को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें रवाना कर दी गई है। साथ ही इस घटना में भी और आरोपियों के नाम सामने आ सकते हैं। एसपी अमित तोलानी ने कहा कि प्राथमिक दृष्टि में हमले के मुख्य कारण जमीन विवाद, वर्चस्व की लड़ाई, पुराने विवाद, खुद को डॉन साबित करना सामने आ रहा है। बाबू सिंधी से पूछताछ के बाद और भी जानकारी सामने आ सकती है। बाबू सिंधी ने हमले को लेकर कितनी सुपारी दी थी, यह सब पूछताछ के बाद खुलासा होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अपराध क्रमांक 43/2024 जो कि कैंट थाने का है, जिसमें अज्ञात आरोपियों ने आकर चोपड़ा चौराहे के नज़दीक फायरिंग की थी, उसमें जो इस घटना का जो मेन मुख्य आरोपी है, जिसको बाबू सिंधी कहते हैं, जिसका पूरा नाम जय कुमार सबनानी है, उसको उसकी हमको सूचना मिली थी। उसकी सूचना मिली थी कि वो चीताखेड़ा के रास्ते राजस्थान जा रहा है, जिसको पुलिस ने इंटरसेप्ट किया। पुलिस को देखकर वो वहाँ पर पहाड़ी चढ़ने लगा। पहाड़ी चढ़ने के बाद वो पहाड़ी से कूद गया डर के मारे, जिससे उसको एक पैर में चोट आई है। इसके अलावा हमने जो घटना से स्पॉट से मोबाइल रिकवर किया था, उस मोबाइल से सिद्ध हो रहा है कि जो शूटर थे वो लगातार बाबू सिंधी से बात कर रहे थे। उस मोबाइल को सप्लाई करने वाला जो आरोपी है उसका नाम है अहमद, उसको हमने हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया है और 5 दिन की रिमांड पे लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इसमें अभी तक जो हमारे संज्ञान में आया है, 4 शूटर्स थे, जिसमें से एक शूटर की डेथ हो चुकी है। 3 शूटर्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, जिसमें 2 के नाम हैं, एक का नाम है अकरम, दूसरे का नाम है आशिक। इनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और इनको पकड़ने के लिए हमने टीमें रवाना कर दी हैं। इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और भी लोगों के नाम खुल सकते हैं। पूछताछ जारी है, अलग अलग टीमें अलग अलग एरिया में जाकर धरपकड़ करने के लिए अग्रसर है। सर, शूटर को कितने रुपए में सुपारी दी गई? सर, कितने रुपए दी गई, क्या रहा था? एक एक करके पूछें। बाबू सिंधी ने पर्पस क्या बताया? अभी विस्तृत पूछताछ होगी, अभी तो इंटरसेप्ट किया है। प्राथमिक दृष्टि से जमीनी विवाद, वर्चस्व की लड़ाई, पुराने विवाद, खुद को डॉन साबित करना, ये सारे पर्पस है। सुपारी कितने रुपए में दी गई थी और क्या? अभी तक इसका पूरा तरह से खुलासा नहीं किया जा सकता, अभी इसमें और पूछताछ करनी है। लेकिन संभवतः अभी ऐसे कोई फिगर हमारे सामने नहीं आया है। विस्तृत पूछताछ होगी, कई लोगों से और पूछताछ होगी जो बाबू सिंधी के साथ मिले हुए हैं, तब किसी फिगर पे आ पाएंगे।